दर्शकों को सलाह दी जाती है कि इस प्रोग्राम विच किए गए दाव्यां दी प्रमाणिकता की जांच कर लैन। सत श्री अकाल मेरे दर्शकों, प्रोग्राम परदेश दी राह देखने वाले तमाम दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, इस मंच से असीं हर वार तुहानूं मुखातिब करवाउंदे आ इमीग्रेशन एक्सपर्ट्स दे नाल, ताकि तुसीं विदेश जांदे रस्तियां बारे जो भी सवाल जवाब ने उन्हां पासों इस प्रोग्राम दे विच हासिल कर सको। इस वार साडे नाल फिर तो हाजिर ने रॉयल ट्रैवल तो अरविंदर पाल जी। अरविंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। शुक्रिया मनीष जी। जी अरविंदर जी, काफ़ी समय तो तुसीं साडे नाल एज ए इमीग्रेशन एक्सपर्ट मुखातिब होंदे आए हो। साडे जिहड़े दर्शकों नूं, उन्हां नूं बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जिहड़ी इस प्रोग्राम दे विच आके दिंदे हो। साडे दर्शक जिहड़े ने, साडे दोस्त ने, बाहर जाना चाहुंदे ने, उन्हां दी क्वेरीज ने इस वारी कैनेडा और आस्ट्रेलिया बारे। और जे कैनेडा आस्ट्रेलिया की गल करिए, काफ़ी टाइम तो यह जो हॉट डेस्टिनेशन रहा है और सब की पसंद रहा है, की कारण है लोग इन्ना पसंद कर रहे हैं आस्ट्रेलिया और कैनेडा? देखो, सब तो पहली गल तो रिलेशनशिप्स पुरानियां, जिदा आप कैनेडा की गल करिए, तीसरी पीढ़ी है ऑलमोस्ट, मतलब जी हम इतों जा रही है। आस्ट्रेलिया पिछले 2006 तो बाद कह लो कि 9-10 तक काफ़ी स्टूडेंट्स गए हैं। सो ऑलमोस्ट आप कहने कि बेचारे पहली पीढ़ी सही, पर फिर भी हूँ ये दोनों मुल्क ऐसे ने, तुसीं किसे नूं अगर बोलोगे कि हर एक दा कोई ना कोई जानकार उत्थे है, और जिहड़े उत्थे खुशहाल ने वह स्टोरीज़ दसदे ने। सो उही एक मेन खिच दा कारण हुंदा। सैकेंड रीज़न जिहड़ा सब तो इंपोर्टेंट, ये तो एक चलो कोई भी जिन्ने भी मुल्क ने दुनिया के सारे पासे खिच दा कारण हो सकते हैं, जिहड़ा सब तो इंपोर्टेंट रीज़न है वह ये है कि दोनों कंट्रीज़ वीज़ा बहुत चंगा दे रहे हैं जी। ता ही कारण है कि पिछले काफ़ी टाइम तो जो स्टूडेंट्स ने उन्होंने रुझान बद रहा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर वीज़ा सक्सैस ज़्यादा है, स्टूडेंट्स का रुझान ज़्यादा है जी। और इस तो अलावा जो गल करिए कोर्सेज की, क्योंकि स्टूडेंट जो जाता है उनके जहन में यही होंगे कि उत्थे जाके कोर्स नूं वधिया करन नूं मिले, ताकि कोर्स करन तो बाद उन्हें उत्थे जॉब मिल जाए या पीआर मिल जाए। सो कोर्सेज की जो गल करिए, तो कि कोर्स जो कर सकते हैं? देखो, अगर आप मैं वन बाय वन लैंदा, अगर आप कैनेडा की गल करांगे, कैनेडा दे विच तुसीं स्टिल हाले भी जिदा के मर्जी प्रोग्राम्स लै सकते, यू कैन गो फॉर डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, डिग्री, हर तरह के प्रोग्राम्स जा सकते हो। आस्ट्रेलिया ने थोड़ा जिहा फेरबदल किया, क्योंकि पिछले जो कुछ समय में आपां वेख्या कि आस्ट्रेलिया गवर्नमेंट की पीआर नहीं स्टूडेंट्स नूं मिलने करके इंटरनेशनल मंच के उपर थोड़ी जी किरकिरी हुई। सो उस चीज़ तो बचाने लिए इन्होंने हुण की कीता, SVP नाम की एक टर्म इंट्रोड्यूस की, स्ट्रीमलाइन वीज़ा प्रोसैस। स्ट्रीमलाइन वीज़ा प्रोसैस के विच की सी, जिहड़े स्टूडेंट लास्ट टाइम डिप्लोमे गए से, डिप्लोमा किसी ने कुकिंग का लिया, कुकरी का, बेकिंग का, कोई कम्युनिटी वेलफेयर का, जिन्हें भी इस तरीके के डिप्लोमे से, वो PR में लीड नहीं कर सके। रीज़न की सी कि सिंगल एक साल का प्रोग्राम हुंदा सी, उस तो बाद स्टूडेंट्स ने ऑब्वियसली बाहर गए ने, काम कर करना ही सी, सारे ने काम कर किया, काम च रुझेवें ज़्यादा सी, पैसे बनते सी, इस करके पढ़ाई वालों मुड़ के प्राइवेट ध्यान नहीं दिया जी। सो जिनी इतों लैके गए से रिक्वायर्ड, उन्नी ही पूरी की जी। सो फिनिश नहीं की, इस करके हुण गवर्नमेंट ने रूल बनाता कि जिहड़ा स्टूडेंट इतों जाएगा स्ट्रीमलाइन वीज़ा प्रोसैस जाएगा, वो एक्चुअली डिप्लोमे लिए नहीं जाएगा, वो जाएगा तो डिग्री ही जाएगा। ये 3 लैवल्स ने हुण यूनीवर्सिटी में, 41 यूनीवर्सिटीज़ आ जिहड़ियां नॉमीनेट कीतियां गईयां ने ऑल ओवर आस्ट्रेलिया तो, उन्हां दे विच स्टूडेंट्स 3 लैवल दे उपर जा सकणगे, बैचलर लैवल ते, मास्टर लैवल ते, डॉक्टरेट लैवल ते, PhD वगैरह। सो कोई स्टूडेंट एनरोल होएगा इत्थों ही पहले दिन तो ही, वो डिग्री लैके जाएगा, डिग्री दे विच एडमिशन लेगा वो जी। अरविंदर जी, आस्ट्रेलिया की गल कर रहे हैं, और जिवें तुसीं दस रहे हो कि SVP जिहड़ा रूल उन्होंने शुरू किया गवर्नमेंट ने, जे कोई स्टूडेंट SVP रूल के अंडर नहीं जाना चाहता, की पॉसिबिलिटी हैगी फिर आस्ट्रेलिया जाके पढ़ लियो? निमनीश, बिल्कुल बिल्कुल, अगर नॉन SVP प्रोग्राम्स जाओ तो कोई भी अप्लाई कर सकता, बट जिदा कि SVP जड़िया यूनीवर्सिटीज़ ने इन्हों एक जिम्मेवारी देती है, ये वीज़ा प्रोसैस में बहुत ज़्यादा हैल्प कर दी जी। एक होर गल इतने मैं पूछना चाहवागा अरविंदर जी, वेखन में आया कि कई बार स्टूडेंट जाते हैं स्टडी ली, पर गलत कंसल्टेंट के थ्रू चले जाते हैं, जाके उ या कॉलेज बंद हो जाता है या कोई होर प्रॉब्लम आ जाती है, जितने जाके उन्होंने फीस जी है उन्होंने मर जाती है। बिल्कुल, की कोई आस्ट्रेलिया गवर्नमेंट या कैनेडा गवर्नमेंट कुछ यहोजा कर रही है कि स्टूडेंट की फीस जी है वो सेफ रहे? देखो, जिदा आप परफेक्ट एजुकेशन डेस्टिनेशन की गल करते हैं, असी हुण परफेक्ट एजुकेशन डेस्टिनेशन थोड़ी डेफिनेशन चेंज की है, वो असी उन्होंने ही कहने हैं कि जिथे फीस भी सिक्योर होंगी है, ये दोनों परफेक्टली बिल्कुल परफेक्ट एजुकेशन डेस्टिनेशन ने। इत्थे सब तो वड्डी गल की है कि गवर्नमेंट की इनवॉल्वमेंट हैगी,
बहुत सारे कंट्रीज विच जिदा यूके सीगा उत्थे कि प्राइवेट कॉलेज सी गवर्नमेंट दी डायरेक्ट इनवॉल्वमेंट है नहीं सी, उस तो बाद जदों असल नुकसान हो गया सी उस तो बाद गवर्नमेंट जागी। इन्हां मुल्कां च इदां नहीं है, यानी जे आस्ट्रेलिया और कैनेडा जाके स्टूडेंट सुपना वेखना चाहुंदा है पढ़ाई दा, उत्थे जाके पढ़ाई दा सुपना जिहड़ा साकार करना चाहुंदा तां उहनूं बिल्कुल बिल्कुल टेंशन फ्री होकर जा सकदा है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई किसी तरह दी कोई टेंशन, घट्टो घट्ट योग्यता की रहिंदी है, घट्टो घट्ट क्वालिफिकेशन की है जे आपां जाणा पढ़न ते। दोनों कंट्रीज विच ही 10+2 मिनिमम एजुकेशन चाहीदी है, और अगर आप कैनेडा की गल करिए 6 बैंड विद 5.5 तो किसी मॉड्यूल घट नहीं होने चाहिए। अगर आप आस्ट्रेलिया की गल करिए इतने लोअर बैंड की हाले कोई रिक्वायरमेंट इदा फिक्स नहीं हुई, हाँ मिनीम जो रिक्वायर्ड ओवरऑल 5.5 बैंड होने चाहिए है। एक तमनीश जी एक होर चीज़ है, जदों कैनेडा ने SPP प्रोग्राम शुरू किए थे जितों की वीज़ा का रुझान ज़्यादा वध्या, उन्होंने जदों रिक्वायरमेंट रखी सी उदों 5.5 आइलैट्स की रखी सी, उदा करके की सी बहुत सारे स्टूडेंट्स एकदम अप्लाई करते आ गए। हुण जदों स्टूडेंट्स उन्होंने नंबर ज़्यादा हो गया उन्होंने सैचुरेशन कली क्वालिटी दे कंट्रोल कर लिया उन्होंने, उदों उन्होंने फिर 6 बैंड दा रेज करता। सो हो सकता उम्मीद है कि आस्ट्रेलिया दे विच भी राइट नो 5.5 ते ओपन है जी, इन फ्यूचर इहदी बार रेज की जा सकती है, यानी 6 बैंड रिक्वायर्ड हो सकता है जी। इस तो अलावा जो गल करिए काम की, क्योंकि जो विद्यार्थी जाता उनके दिमाग में यही रहता है कि मैं जाके थोड़ा बहुत काम कर ला ताकि मेरी पढ़ाई भी जी खराब ना हो और नाल दी नाल मैं अपना जेब खर्चा भी कढ़दा रहा। कि दोवें मुल्क काम नूं जिहड़ा वेलकम कर रहे हैं? बिल्कुल, दोनों मुल्कों के काम की लैके नॉर्मली स्टूडेंट्स को कभी तुम असी आम समाज विचरते हैं सूँ कित कोई खामिया हो सू सारे सिस्टम कंसल्टेंट्स तो नहीं पता नहीं लगदियाँ, वैबसाइट्स तो पता नहीं लगदियाँ सूँ साढ़े अपनी रुझेवे अपने रोज़मर्रा की जिंदगी तेजे कोई सज्जन मित्र तुम्हें कोई ना कोई मिल जाता जो दस दिता कि कितने की चलता जी। सो य दो मुल्क ऐसे ने जिद उपर तुम काम में लैके कभी किसी प्रॉब्लम हुई नहीं सुनोगे, यानी आसानी नाल काम। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों सिस्टम अलाउ करते हैं, ऑन कैंपस जॉब्स मिल जाती ने कैनेडा के, आस्ट्रेलिया के मतलब स्टूडेंट्स को उंजी काम बहुत ज़्यादा है जी। किसी तरह की काम में लैके कोई कोई भी दुचित्ती वाली सिचुएशन नहीं हैगी। दर्शकों तुसी देख रहे हो प्रोग्राम परदेश दी राह, और इस प्रोग्राम दे विच असीं अज तुहानूं मुखातिब करवा रहे हैं इमीग्रेशन एक्सपर्ट अरविंदर पाल जी, जो कि रॉयल ट्रैवल्स ने और काफ़ी समय तो जिहड़े विद्यार्थियों नूं बाहर भेज चुके हैं उन्होंने स्टडी के सुपने नूं साकार कर चुके हैं जिहड़ा उन्होंने देखिया सी विदेश जाके पढ़न दा। जी अरविंदर जी, जिवें दस्सिया कि जेकर तुसीं स्टडी दे नाल नाल काम भी करना चाहुंदे हो आस्ट्रेलिया कनेडा विच कोई घबराउण दी लोड़ नहीं, बड़ी आसानी नाल तुहानूं उत्थे जिहड़ा काम मिल जांदा है नाल दी नाल तुसीं स्टडी भी कर सकदे हो। जी ये तो सी अरविंदर जी गल पढ़ाई दे नाल नाल जे आपां काम करना ते जी, पर इस तो बाद जो आप गल करिए फंड्स की, क्योंकि हर एक स्टूडेंट के कोल उन्ना पैसा नहीं हुंदा जिन्ना शो करना पैंदा, की थर्ड पार्टी फंड जिहड़े ने एक्सेप्टेबल ने उत्थे? जी देखो, कोई भी एम्बेसी वीज़ा दिंदी आ ऑब्वियसली मनी दा एक सोर्स है उन्हां लई फॉरन रेवीन्यू जनरेट करन लई, बाहरों बाहरले मुल्कों तो पैसा इकट्ठा करन लई जी। सो फंड्स नूं लैके जिहड़ियां बहुत लंबियां पुरानियां कैलकुलेशन सी वो ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज ने लोअर डाउन करतियां हुण। एक जमाना सी हर कंट्री कहती सी 6 महीने पुराने फंड लै कोई 25-30 लाख रुपया इदा दा चाहिए, हुण इदा दी कोई रिक्वायरमेंट्स नॉर्मली नहीं है। अगर आप वन बाय वन चलते हैं, अगर कैनेडा की गल करिए, कैनेडा दे विच हुण जिहड़े रूल्स ने GIC दे अंडर अप्लाई कर सकते ग्रंटड इनवैसमेंट सर्टिफिकेट है, उहदे तहत की है कि तैनूं फंड दिखाउणे नहीं पैंदे, फीस कॉलेज की कॉलेज में ट्रांसफर हो जाती है। उस तो बाद जिहड़े लिविंग एक्सपेंसिज ने कोई 5.5 लाख रुपए के करीब होंगे 10,000 डॉलर, वो स्टूडेंट्स एक्चुअली ट्रांसफर कर देंगे ने उत्थे, और जिहड़े जो बैंक उत्थे ट्रांसफर हो जाते उत्थों GIC मिलता सर्टिफिकेट मिलता एक ग्रंटड इनवैसमेंट सर्टिफिकेट का, वो तुहाडे एक्चुअली फंड ने पैसे तुम ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके हो, किसी बैंक छोड़ के पैसा नहीं दिखाना, उही सर्टिफिकेट नाल लैके अपना केस फाइल कर देना जी। सो एडिशनल फंड कैनेडा चोर लोड़ नहीं। ते थर्ड पार्टी फंड्स दी गल करिए, कोई तीसरा बंदा जाके आपां कैनेडा देखो लोड़ नहीं रहेगी, कैनेडा बैंक ही नहीं तुसी दिखाना, सीधा सर्टिफिकेट लग गया ओके आ जी। हुण रहेगी गल आस्ट्रेलिया दी, आस्ट्रेलिया हाले भी सानू कोई 20-22 लाख रुपया शो करना पैंदा ओवरऑल। सो इहदे विच की आ कि जिहड़ी कैलकुलेशन साडी बहुत लंबी सी सेम अगे नहीं पूरी हो रही, उहनूं किद्दां उहनां ने सौखा कीता। हुण की आ कि आस्ट्रेलिया थर्ड पार्टी फंड शो कर सकते हो तुसीं, कोई तुहाडा रिलेटिव है फैमिली चो कोई भी आ, कोई कोई आदमी तुहाडा फंड शो कर सकदा, खुद तुसीं फंड शो कर सकदे हो, नवे फंड एक दिन पुराने फंड शो कर सकदे हो जी। इहदे विच फंड दी जे आपां गल कर रहे हां ते इह वी दस दो कि फंड दे विच लिक्विड आपां नूं किन्ना शो करना पैंदा, लिक्विड मनी टोटल लिक्विड मनी है, होर कोई कोई इहदे विच मनी इनवॉल्व नहीं है, ये सारे सारे फंड तैनू शो करने हैं, कोई तुहाडे लई फंड शो कर सकता। सब तो इंपॉर्टेंट जिहड़े नॉर्मली हाले स्टूडेंट्स नूं पेरेंट्स नूं हाले इन्हां दे ज्ञान च नहीं हैगी चीज़, कोई भी तुहाडा सज्जन मित्र आस्ट्रेलिया बैठा जिहड़ा वो फंड शो कर सकता, उहदे लई तुहानूं कोई रिलेशनशिप प्रूफ की भी लोड़ नहीं है जी। कोई भी आस्ट्रेलिया बैठा वो तुहाडे फंड शो कर देगा,
जी सो फंड्स दी कैलकुलेशन अगर आप गल करिए तो बिल्कुल ही डाउन आ गई है बिल्कुल जी। दोस्तों बड़ी वधिया इत्थे सानू अरविंदर जी ने गल दसी है कि जेकर तुहाडा कोई रिश्तेदार दोस्त मित्र बाहरले मुल्क विच बैठा जिथे जाके तुसीं स्टडी करना चाहुंदे हो तां थर्ड पार्टी बन के तुहाडे फंड्स जिहड़े ने ओह शो कर सकदा और तुहानू जिहड़े लंबे चौड़े फंड सी उहनां तों निजात मिल सकदी है। अरविंदर जी पी आर दी गल करिए तां कि पक्के तौर ते वसनीक बनना आसान है आस्ट्रेलिया या कनेडा विच? देखो पूरी दुनिया दे विच सिर्फ दो मुल्क ने जिहड़े पी आर दिंदे आ, एक आस्ट्रेलिया ते एक कैनेडा है। अगर आप पी आर की गल करिए कि जी ओपन पी आर है कि किसी भी इंडिया तो सीधा बुला लेना जी ओके तुसी नॉर्मली देखो कुछ कंट्रीज है जिदा जेडे कि उत्थे स्टूडेंट्स गया पढ़े ने उस तो बाद काम किया फिर पी आर दे रहे हैं जी। ये दोनों ऐसे कंट्री जेडे ओपन पी आर देंगे कि तुसी अपने मुल्को सिंपल केस पी आर का अपलाई किया तेन उत्थे मिल जाएगी। हुण जेड़ा स्टूडेंट उत्थे ऑलरेडी पढ़िया होवे वो तो सगो एसेट हो गया उन्होंने उन्हें उस सिस्टम दे विच उन्हें देखो कोई गवर्नमेंट चाहती है कि जिन्ना जिन्ना पैसा वो बछिंदे उत्थों के लोग कमाउणगे वो सारी गवर्नमेंट की इनकम आ। इंडिया के जिन्हें लोग सारे आप जिन्हें सैलरीज लै रहे हैं जिन्ना कोई पैसा कमा रहा यह सारी एक्चुअल गवर्नमेंट की इनकम है जी। सिमिलरली जो स्टूडेंट्स जाके पैसा कमाउण लग पैंदे आ ये दोनों कंट्री ऐसे ने कि उन्होंने पी आर रख लेंगे यानी पी आर जगह पक्के तौर पर वसनीक बनना है आस्ट्रेलिया दोनों कंट्री पॉसीबल है पॉइंट बेस्ड है पॉइंटा के आधार पर है। जिदा कि आस्ट्रेलिया ने हुण करता सी डिग्री प्रोग्राम च जाओगे ऑटोमैटिकली तुसी क्वालीफाई कर जाते हो। सेम कैनेडा दे विच है कैनेडा दे विच भी पॉइंटा दे आधार ते है तुसी उत्थे पढ़ाई दे तुहानू पॉइंट मिलदे आ उत्थे लोकल तुसी काम करदे हो यानी जे आपां गल करिए कि आस्ट्रेलिया ते कैनेडा दे विच पक्के तौर ते वसनीक होण दा सुपना जिहड़ा है ओह बड़े आराम नाल पूरा हो सकदा है। इस तों इलावा हुण उहनां लोकां दी गल करिए उहनां विआह जोड़ां दी गल करिए जेकर जिहड़े विआह तों बाद पढ़ना चाहुंदे ने क्योंकि उहनां दे ज़हन दे विच किते किते इह आ रिहा है कि इक बंदा जिहड़ा है ओह स्टडी लई चला जाएगा दूसरे नूं इत्थे मुल्क रहिणा पवेगा जी। पर किते किते इह वी सुणन नूं आया कि कैनेडा और आस्ट्रेलिया जिहड़े दोनों स्पाउस नूं वैलकम कर रहे ने। बिल्कुल करते हैं देखो लीगली लीगल प्रोविजन के अगर आप गल करिए दोनों कंट्री स्पाउस नाल जा सकते हैं बट पिछे कुछ सनैरियो इदा के हुए ने जिन्होंने असी अज नहीं बदल सकते। जिदा कि जो आस्ट्रेलिया पहला ओपन होया सी आस्ट्रेलिया उदों तुसीं यकीन मानो साढ़े मतलब 50% जिहड़े स्पाउस केसेस सीगे उह सारे दे सारे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज सीगियां। एक नवा शब्द जुड़िया उदों पंजाब दी कह लो कि विरासत दे विच कि साढ़े कॉन्ट्रैक्ट मैरिज चलन लग पईआं जी यानी विदेश जाते रस्ते सुखाला बनाने उन्होंने मैरिज सुनिया सी लव अरेंज कई तरह की सुनिया सी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज मतलब एक सुनने आ गई। एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज जिस तरीके ना लीगली तुसी करते हो इतों असी सोचा कि ओके जी पेपर ला ले नाल जी लीगली कोर्ट से जाके कर लिया ये एक्चुअली पक्का विआह हुंदा। हुण ये जिस तरीके ना लीगली जुड़िया ये लीगली सैपरेट हुंदा लीगली सैपरेट होने तो भाव कि उत्थे आस्ट्रेलिया दी कोर्ट्स विच इन्ने हज़ारां दी तादाद विच केसिस पए ने जिहड़े डाइवोर्स केसिस फाइल होए हुए जी। अरविंदर जी गल्लां बातां तो होर बहुत ने पर समा जस नहीं दे रहा जाने वार सुनेहा की देना चाहोगे साडे देखण वाले दर्शकां नूं? दुनिया के किसी भी देश पढ़ाई लई जां सैर सपाटे लई जाने चाहुंदे हो तो सानूं तुसीं कॉल कर सकदे हो। असीं इसदे लई स्पैशल एक हैल्पलाइन लाई है वीज़ा हैल्पलाइन 9168 9168 9216892168 9216 ये उपर तुम जो भी कॉल करते हो तुहाडी कॉल हमेशा आंसर होंदियां ने। ड्यूरिंग प्रोग्राम अगर किसी की गल नहीं हो पाती जां किसी का फोन बिजी रहिंदा ये नंबर वैसे बिजी नहीं हुंदा उन्हां नूं असीं वापस मॉर्निंग में सब नूं कॉल करते हैं और कोई भी क्वेश्चन ने तुहाडे जिन्हें तुहाडे क्वेश्चन ने इनकेस तुसीं सुझाव देना चाहते हो कोई भी नैक्सट क्वेश्चन जिहड़े असीं नैक्सट प्रोग्राम दे विच लाईए तां जरूर दो असीं जरूर ख्याल रखांगे। अरविंदर जी साडे स्टूडियो दे विच आए इस वेले दर्शकां नूं जानकारी दित्ती बहुत बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया मनीष जी।